गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि बिग बॉस 17 बिग बॉस 17 शुरू हो चुका है और मैं अपनी विशेष टिप्पणी लेकर के ना आऊं ऐसा नहीं हो सकता है। तो आज का वीडियो होने वाला है बिग बॉस और बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स के ऊपर मेरी विशेष टिप्पणी, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। एंड ऑल्सो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उन लोगों को मैं बता दूं, मेरा नाम है अक्षी किरार और मैं बनाती हूँ डेली व्लॉग्स। तो ये वाला जो वीडियो है ये व्लॉग नहीं है, ये एक मेरी विशेष टिप्पणी है बिग बॉस 17 के ऊपर, क्योंकि बिग बॉस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप व्लॉग देखने के इच्छुक हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें और जाके मेरी पुरानी वीडियोज़ भी चेक कर लेना। सो लेट्स बिगिन विद माई विशेष टिप्पणी ऑन बिग बॉस 17। तो गाइस टिप्पणी स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को ये बता दूं कि इस बार का जो बिग बॉस है उसकी शुरुआत काफ़ी ठंडी ठंडी सी रही है, नॉट सो गुड नॉट सो बैड। और इस बार का बिग बॉस कम लग रहा है और टीवी एक्टर्स वर्सेस इन्फ्लुएंसर्स या आप बोल सकते हैं यूट्यूबर्स, वो ज़्यादा लग रहा है। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं मेरे फेवरेट कंटेस्टेंट से, जो कि लॉकअप सीजन 1 का विनर भी रह चुका है, मुनव्वर फारूकी। तो मुनव्वर फारूकी की एंट्री तो बहुत अच्छी थी और उसने आकर के थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करना भी शुरू किया था लोगों को थोड़ा थोड़ा जाके। एक्चुअली वही सबसे ज़्यादा अभी तक दिख रहा है, वन ऑफ द दिखने वालों में से वो सबसे ज़्यादा है। तो वो मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट भी है, बट फिर भी मुझे वो बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा लग रहा है। आई डोंट नो वो गेम को अभी एनालाइज कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा उसका गेम। अभी तो मतलब स्टार्ट हुआ है तो कोई भी अच्छा नहीं लग रहा। तो मुनव्वर फारूकी के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही अच्छा कॉमेडियन है एंड आई एम वेरी इंस्पायर्ड विद हिज स्टोरीज, और जो उसका स्ट्रगल है वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है सभी लोगों के लिए, एक्चुअली यूथ के लिए बेसिकली। एंड ही इज़ अ स्टैंड अप कॉमेडियन ऑफ आर कंट्री। तो मुनव्वर फारूकी मेरा फेवरेट है और हो सकता है कि आगे चल के मुनव्वर फारूकी इस शो को जीत भी जाए। और दूसरे नंबर पे जो मेरा सबसे फेवरेट कंटेस्टेंट है वो है तहलका भाई, इनसे मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। मिस्टर सनी आर्या ये दिल्ली के ही रहने वाले हैं और इनके प्रैंक्स मैं बहुत टाइम से देख रही हूँ, जब ये फेसबुक पे वीडियोस डाला करते थे तब से मैं इनके प्रैंक्स देख रही हूँ और मुझे इनकी वाइफ और इनकी जोड़ी और इनके प्रैंक्स बहुत अच्छे लगते हैं। बट यहाँ आके आई डोंट नो इनको क्या हो गया है, बहुत ही ज़्यादा ठंडे लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अपने इनपुट्स नहीं दे रहे हैं। मुझे लगा था कि ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग शो होंगे यहाँ पे, बट उस हिसाब से नहीं दिख पा रहा है इनका। बट आई होप कि आगे चल के कुछ होगा एंड कोई एक लड़ाई हुई इनसे तो शायद इनके ब्लास्ट स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी टिप्पणी। इस बार बिग बॉस में दो कपल आए हुए हैं, जी हाँ दो कपल, एक्चुअल कपल, रियल कपल है, उनकी असलियत में शादी भी हो रखी है। तो सबसे पहले है अंकिता लोखंडे और इनके हस्बैंड विक्की जैन। तो अंकिता लोखंडे को तो आई थिंक सब लोग जानते होंगे, स्पेशली मम्मियाँ तो इनको बहुत अच्छे से जानती होंगी, क्योंकि ये एक बहुत ही पॉपुलर शो पवित्र रिश्ता की मेन लीड रह चुकी हैं। और साथ में आए हैं इनके पति परमेश्वर, मिस्टर विक्की जैन, जो कि हमने सुना था कि बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। तो यहाँ पे आकर के तो आई थिंक ये अपना मजाक ही बनवा रहे हैं मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि बिग बॉस भी इनकी बहुत अच्छे से ले रहे हैं। तो दूसरे कपल जो बिग बॉस में इस बार आए हैं वो है मिस ऐश्वर्या शर्मा और इनके पति देव नील भट्ट। तो नील भट्ट को तो ऑलरेडी बहुत सारे सीरियल में सारे मम्मियों ने देख रखा है, बहुत सारे लोगों ने। ऐश्वर्या शर्मा भी बोला जाता है कि सीरियल्स में ही आती थी, एक्ट्रेस थी या है आई डोंट नो। और यहाँ पे आने के बाद मतलब मैं एक हफ्ता देखने के बाद यही बोल सकती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा कपल है। तो ये थे हमारे दो कपल और इन दोनों में से सबसे ज़्यादा जो मुझे लग रहा है कि जो परफॉर्म कर पाएगा वो है विक्की भैया और अंकिता लोखंडे। तो अब बात करते हैं हमारे अदर कंटेस्टेंट्स की। तो अदर कंटेस्टेंट्स में एक है मिस ईशा माल्या। तो ईशा माल्या जी जो हैं वो उडारिया की मेन लीड में थी आई थिंक, इसलिए लाइमलाइट में आई क्योंकि इनका एक अफेयर चल रहा था जो कि है अभिषेक कुमार, जो कि मुझे बहुत ही बेवकूफ़ इंसान लगा है यहाँ तक अभी तक देख के। वैसे मैं इन दोनों को नहीं जानती थी, मैंने कभी नहीं देखा इन लोगों को किसी भी टीवी शो में या कहीं पे भी, क्योंकि मैं टेलीविज़न ज़्यादा देखती नहीं हूँ। बट अगर इन दोनों में से बोला जाए तो मुझे अभिषेक कुमार एकदम बेवकूफ़ लगता है, सीरियसली वो बहुत ही बेवकूफ़ किस्म का इंसान है जो भी अभी तक एक हफ्ते में दिख के आया है। तो अभी तक के लिए तो ये दोनों भी मुझे अभी तक फुसफुस ही लग रहे हैं। तो अगली हमारी कंटेस्टेंट है मनारा चोपड़ा। मनारा चोपड़ा जब आई थी इनको कोई नहीं जानता था, बट क्योंकि थोड़े दिन पहले इनकी बहन
प्रियंका चोपड़ा ने एक पोस्ट डाल दी और बिग बॉस 17 के शो में जाते ही प्रियंका चोपड़ा से इनका नाम जुड़ गया, तो पता चला कि ये प्रियंका चोपड़ा की कजिन सिस्टर है। आई गेस ये प्रियंका चोपड़ा की भुआ की बेटी है, राइट। बट ये बोलती है कि मुझे प्रियंका चोपड़ा या किसी का भी नाम लेके आगे नहीं बढ़ना है, मुझे अपने खुद के बलबूते पे आगे बढ़ना है। बट क्योंकि इन सबको पता चल चुका है कि ये प्रियंका चोपड़ा की बहन है, तो आई थिंक ये लास्ट तक रह भी जाएगी, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तक मुझे बहुत ही अच्छी लड़की लग रही है। अगले है हमारे बहुत ही फेमस यूट्यूबर अनुराग दोभाल। वैसे इनको आप नाम से नहीं जानते होंगे, बट यूके 7 राइडर और बाबू भैया के नाम से इनको सब लोग जानते हैं। तो ये बहुत ही फेमस एक यूट्यूबर है, मोटो व्लॉगर है बाबू भैया। इनसे भी मुझे बहुत सारी उम्मीद थी, बहुत इनका नाम सुना है, बहुत सारे इनके व्लॉग्स भी देखे हैं मैंने, बट यहाँ पे आके पता नहीं क्यों ये एकदम जिप अप हो गए हैं। बिल्कुल इन्होंने मुंह पे ताला लगा लिया है, पता नहीं कहाँ चाबी इन्होंने फेंक दी है। आई गेस मैं वो चाबी उठा के लाऊंगी और इनका ताला खोल दूंगी, तो शायद से बोलना शुरू हो जाएंगे। अगली है हमारी कंटेस्टेंट सना रईस खान। ये आर्यन खान के जो केस हुआ था, ड्रग केस, उसकी वजह से ये फेमस हुई थी बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे भी ये उसी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए आई हैं। ऐसा कि स्टेज पे लगा था कि ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये एडवोकेट हैं एक, तो लगा था कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगी, बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी होगी इनकी, बट अंदर गेट के मतलब दरवाजे के अंदर प्रवेश करते ही आई गेस इनकी पर्सनैलिटी एकदम नीचे गिर गई है, और ना ये कुछ बोलती हैं, ना किसी चीज़ में इन्वॉल्वमेंट देती हैं, ना कुछ करती हैं, तो आई थिंक ये जल्दी बाहर चली जाएंगी। तो अगले कंटेस्टेंट हैं अरुण मास शेट्टी। ये एक हैदराबाद बेस्ड गेमर है, बोलते हैं कि बहुत पॉपुलर हैं, जैसा कि सुना है, जैसा कि सलमान खान ने इनका इंट्रोडक्शन दिया था कि ये बहुत पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर गेमर है। तो इनकी इन्वॉल्वमेंट शो में बहुत अच्छी है, अभी तक जो भी इनके मुंह लगा है बहुत अच्छे से ये उसको फटकार रहे हैं, बहुत अच्छे से अपना पॉइंट रखते हैं, बहुत अच्छी इन्वॉल्वमेंट अभी तक शो में दे रहे हैं, अपने पॉइंट्स एकदम अपफ्रंट होकर के रखते हैं। अगली कंटेस्टेंट है हमारी खानजादी। खानजादी जो है बोला जाता है कि ये रैपर और सिंगर हैं, और ये आसाम से बिलोंग करती हैं, और जब से ये बिग बॉस 17 के घर में आई हैं तब से इनकी जो छवि बनी है वो है बेवकूफ़। तो ये अभी तक तो बेवकूफ़ जैसे ही कहला रही हैं, बाकी आगे पता नहीं ये कैसी दिखेंगी कैसी नहीं दिखेंगी। अगली कंटेस्टेंट है जिग्ना वोरा। जिग्ना वोरा जी लगा तो था कि बहुत माइंड ब्लोइंग होंगी, बहुत ब्लास्टिंग होंगी, ऑलरेडी इनके ऊपर एक बायोपिक भी बन चुकी है जो कि करिश्मा तन्ना ने परफॉर्म की थी। बोला जाता है कि बहुत अच्छी बायोपिक है, मैंने अभी तक पर्सनली नहीं देखी है, बट यहाँ पे आके इनका पॉइंट थोड़ा सा डाउनग्रेड हो रहा है, क्योंकि ये अपने पॉइंट्स क्लियरली नहीं रखती हैं, और क्या बोलती हैं वो शायद किसी को समझ भी नहीं आता क्यों डांट रही हैं, क्यों बोल रही हैं, तो अभी तक तो इनकी पर्सनैलिटी कुछ समझ में नहीं आ रही है। अगली कंटेस्टेंट है रिंकू धवन। रिंकू धवन जी को सब लोग जानते होंगे, स्पेशली सारी मम्मियाँ जानती होंगी। ये टीवी एक्ट्रेस हैं जो कि बहुत ही अच्छे से अपने टीवी के हर किरदार को निभाती हैं, और बहुत ही पॉपुलर भी हैं, बहुत फेमस हैं, बट यहाँ पे आके इनका कोई साइड मुझे नज़र नहीं आ रहा है। अभी तक तो ये साइलेंट लेडी ही बनी हुई है, आगे जाके पता चलेगा कि ये कैसे परफॉर्म करती है, कैसे अपने पॉइंट्स रखती है। आई थिंक इनको भी एकदम कड़क स्वभाव का माना जा सकता है, ये कड़क एकदम स्वभाव की है, और आगे चल के पता नहीं कैसे ये अपना अपने आप को पोर्ट्रे करेंगी। आई थिंक इनको और जिग्ना वोरा जी को एक कड़क लेडी के रूप में ही सामने आना चाहिए। अगली कंटेस्टेंट है सोनिया बंसल। सोनिया बंसल मुझे नहीं पता कौन है, बोला जाता है कि ये आगरा बेस्ड एक मॉडल है। अभी तक इन्होंने अभी जस्ट इन्होंने इंडस्ट्री में कदम ही रखा है, तो इनका भी इन्वॉल्वमेंट मुझे शो में बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। आई गेस ये उन लोगों में से होंगी जो जल्दी शो से निकल जाएंगी। और सबसे लास्ट कंटेस्टेंट है नावेद। ये लंदन बेस्ड हैं, लंदन से आए हैं, और ये एक फार्मासिस्ट हैं, और जहाँ तक कि अभी तक समझ में आ रहा है, क्योंकि अब जितने भी बिग बॉस अभी तक गुजरे हैं सारे फॉरनर्स तो बहुत अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, कुछ कुछ फॉरनर्स कर पाए हैं, जैसे कि अब्दू था वो बहुत अच्छा परफॉर्म करके गया था, और इनका शो में इन्वॉल्वमेंट भी नहीं समझ में आ रहा, ये थोड़े से कंफ्यूज माइंड रहते हैं। ठीक है यार, आपको हिंदी नहीं आती है, बट यू हैव द अथॉरिटी टू स्पीक इन इंग्लिश, तो आप इंग्लिश में बात कर सकते हो, बट ये मुझे कहीं बात करते हुए भी नहीं दिखते हैं, और ना ही इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नज़र में आ रहा है। तो आई गेस यही सबसे पहले कंटेस्टेंट होंगे मेरे तरफ से जो बिग बॉस के शो से बाहर जाएंगे। तो गाइज ये थे हमारे सारे बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स, और इस बार का बिग बॉस का घर बहुत ही सुंदर बना है। सो आई नो बिग बॉस की टिप्पणी इस बार की बहुत छोटी थी, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कंटेस्टेंट क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। मुनव्वर फारूकी से मुझे बहुत उम्मीदें हैं, तहलका भाई से मुझे बहुत उम्मीदें हैं, बट आई डोंट नो ये लोग क्या कर रहे हैं, और अभी तक तो इन्होंने परफॉर्म नहीं किया है। आई थिंक सेकेंड वीक में ये लोग जाके परफॉर्म करेंगे,
या शुरू होंगे परफॉर्म करना, तो उसके लिए बने रहेंगे हम लोग बिग बॉस 17 देखते रहेंगे। अभी तक तो बिग बॉस के शो में जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है और जो करता आया है वो है हम सब लोगों के फेवरेट भाईजान सलमान खान जी। तो ये हमेशा से अच्छा परफॉर्म करते आए हैं और इस बार भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और जैसे कि हम लोग सब लोग वेट करते हैं इनके वीकेंड के वार के लिए, तो इस सीजन में भी हम लोग वीकेंड का वार के लिए अब वेट ही करेंगे, क्योंकि वीकेंड का वार सबसे 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 अच्छा होता है। सो लेट्स वेट एंड वॉच कि ये सारे कंटेस्टेंट आगे चल के क्या कमाल करते हैं क्या कमाल नहीं करते हैं, और मैं आप लोगों के सामने अपनी विशेष टिप्पणी लेकर के अगली बार भी आऊँगी। अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं हर वीक अपनी विशेष टिप्पणी दूँ तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, और या फिर मैं ये वीडियो बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, आपको बिग बॉस 17 या बिग बॉस से रिलेटेड वीडियोस पसंद है तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। तो इस वीडियो को मैं यही ख़त्म करती हूँ और अब आपसे मिलती हूँ मैं अपने अगले व्लॉग में। व्लॉग्स तो मेरे चलते रहेंगे डेली व्लॉग्स, जो कि हर अल्टरनेट डे पे आते हैं शाम को 4 बजे, तो आप लोग देखना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग मी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अब मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट, लव यू, बाय।